सब्सट्रेट है, सब्सटेंस है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है ना वो सरफेस पे ज्यादा रहती है देन इन दैट ऑफ बल्क. ठीक है, ये जैसे एक एग्जांपल समझते हैं हम इसको. जैसे कि ये हमारे पास कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर है वाटर. ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके अंदर डस्ट डाल दी, कुछ भी डर्ट डाल दी, और हमें ये पानी कैसे चाहिए, प्योर चाहिए. तो हम इस प्योर करने के लिए इस पानी, ये क्या हमारी डर्ट है और साथ में क्या हमारे पास वाटर है. ठीक है, अब हमें ये पानी को क्या चाहिए, प्योर चाहिए हमें इस पानी को. तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम चारकोल ऐड कर देंगे. चारकोल का फाउंड पाउडर होता है, तो उसको ऐड कर देंगे इसके सरफेस के ऊपर. तो चारकोल क्या करेगा, मान लो हम यहाँ पे चारकोल का पाउडर ऐड कर दिया, तो चारकोल क्या करेगा, जिसका चारकोल का सरफेस होगा उसके ऊपर अपने डस्ट के जो पार्टिकल्स है इसको एड्सॉर्ब कर लेगा. क्या करेगा, एड्सॉर्ब करेगा उस डस्ट के पार्टिकल्स को. तो जो पार्टिकल्स होंगे उसकी कंसंट्रेशन किसमें, डर्ट के पार्टिकल्स, उसकी कंसंट्रेशन कहाँ रहेगी, सरफेस पे रहेगी. और वाटर क्लियर हो गया, हमारा क्लियर हो गया, तो हमारा जो बनेगा पानी कैसा रहेगा, यहाँ पे तो चारकोल क्लियर है हमारे पास. ठीक है, और यहाँ पे इसके सरफेस पे क्या आ गए, डस्ट आ गए, और जो हमारा पानी बच जाएगा ये हमारा क्लियर वाटर बच जाएगा. तो चारकोल ने क्या किया, डस्ट के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है, ऐसे ही हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी रिएजेंट या सबस्ट्रेट की वो बल्क में ज्यादा होती है देन एट द सरफेस. तो इसको हम एग्जांपल समझते हैं. जैसे कि हमारे पास एक पानी है, ठीक है, इसके हम अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने इंक डाल दी, इंक प्लस वाटर. ठीक है, अब हमें पानी साफ चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसके अंदर हम चारकोल डालेंगे तो चारकोल इंक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना. तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास स्पंज होता है, आपने स्पंज देखा होगा. तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक स्पंज डाल देंगे, तो स्पंज क्या करेगा, ये स्पंज इस पूरी इंक को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अपने अंदर भी ले जाएगा. ये थोड़ी ना कि अपने सरफेस पे सिर्फ इंक लगा कर रखता है, ये अपने अंदर भी ले जाएगा, मतलब पूरा जो इंक है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. मतलब इसने क्या किया, अपने सरफेस के अंदर भी ले गया, मतलब कि जो कंसंट्रेशन थी इंक की वो क्या होगी, बल्क के अंदर ज्यादा हो गई ना देन एट द सर्फेस. मतलब इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया. इसको आप एग्जाम्पल से ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो जो पेंट होता है, वॉल्स है ये हमारी, हम इस पे पेंट करवाते हैं, तो पेंट कैसे करवाएंगे, ये थोड़ी ना वॉल्स को तोड़ के पेंट करवाएंगे, वॉल्स के हम ऊपर ऊपर पेंट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन, क्योंकि हमने ऊपर ऊपर सर्फेस पे पेंट किया, तो उसको हम बोलेंगे एड्सॉर्प्शन. तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया पेंटिंग ऑफ वॉल्स. ठीक है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, देखो इन दोनों में से बहुत मैं समझा तो दिया लेकिन याद रखने में फिर भी दिक्कत होती है. तो इसको हम कैसे याद रखते हैं, देखो जो एड्स होती है हमारे पास टीवी वाली एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, उसमें हम देखते हैं नैरो लेग की एड आती है ना, उसमें वॉल्स पे पेंट करते हैं, तो पेंटिंग ऑफ वॉल्स किसका एग्जाम्पल है, सरफेस पे, और फिनोमिना एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है. और एब्जॉर्प्शन फिर इसका अपोजिट हो जाएगा, जो फिनोमिना बल्क में जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी. ठीक है, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो किसमें ज्यादा होगी, सरफेस में ज्यादा होगी. अब एड्सॉर्प्शन के हमारे पास ये दो टाइप, मतलब टाइप तो नहीं है, इसके अंदर डिफाइंड होता है क्या, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, एडी, क्योंकि एड्सॉर्प्शन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट. ये बिल्कुल उसकी तरह है, जैसे कि हमारा पानी है, ये पानी है, ठीक है, हमने इसके अंदर शुगर डाल दी, ये शुगर डाल दी और ये हमारा पानी है. तो शुगर क्या होगी, इसमें डिजोल्व हो जाएगी. तो जो वाटर होते हैं क्या होता है, हमारे पास सॉल्वेंट होता है, और जो शुगर है क्या है, सोल्यूट है. तो ऐसे ही एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट है. एब्जॉर्बेंट क्या होता है, जिसके अंदर डिजोल्व हो रहा है, मतलब जिसके अंदर डिजोल्व होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेंट, जो जिसके अंदर डिजोल्व होगा. ठीक है, जैसे कि वाटर डाल लो आप, मतलब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकती है और सॉलिड हो सकता है, जिसके अंदर डिजोल्व हो रहे हैं. ठीक है, और एब्जॉर्बेट क्या होता है, जो डिजोल्व हो रहा है, मतलब जो सब्सटेंस डिजोल्व होगा या फिर जो एड्सॉर्ब होगा. जैसे यहाँ पे एड्सॉर्ब सही वर्ड रहेगा, डिजोल्व को मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला, लेकिन जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब होगा यहाँ पे उसको एब्जॉर्बेट बोलेंगे, और जो जिसके अंदर एड्सॉर्ब हो रहा है उसको एड्सॉर्बेंट बोलेंगे. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पास लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. यहाँ पे सिर्फ लिक्विड और सॉलिड ही होंगे. देखो आपने मेनली हम किसका पढ़ते हैं कि हमने क्या किया, एड्सॉर्प्शन ऑफ, हम पढ़ते हैं ना कि एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन मेटल सरफेस. तो यहाँ पे जो H2 गैस हो गई वो क्या होगी, H2 गैस होगी हमारे पास एड्सॉर्बेट, और जो मेटल का सरफेस हो गया, मतलब सॉलिड सरफेस हो गया, तो जो H2 गैस है ये हमारे पास मेटल सरफेस है, तो जो H2 गैस आ रही है इसके ऊपर आके एड्सॉर्ब होगी, क्योंकि इसके सरफेस पे आके लगेगी, मेटल के अंदर नहीं जाएगी. तो ये क्या हो गया, मेटल सरफेस हो गया, वो हो गया एड्सॉर्बेंट. ठीक है, तो ये था हमारा एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, थैंक यू.